ब्राइटवेल कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में सीखने वाले टेली डॉट ईआरपी नाइन की क्लास में आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं और वो रहेगा पेरोल। पेरोल किस तरीके से एक्टिवेट किया जाता है, आज में पेरोल का जो एक फर्स्ट पार्ट है और पेरोल का जो पहली वीडियो है क्लास है, मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर में टेली डॉट ईआरपी नाइन चालू कर लेना है और सॉफ्टवेयर चालू करने के बाद में आपको अपनी कंपनी ओपन कर लेनी, कोई भी आपकी कंपनी हो सकती है। मैंने यहाँ पे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम से एक कंपनी ओपन कर ली है। इस तरीके से आप भी अपनी कंपनी को ओपन कर ली। यदि आप कंपनी बनाना नहीं जानते, सेट सेलेक्ट करना नहीं जानते, डायरेक्ट पेरोल कर रहे हैं, तो आपको एक बार प्ले लिस्ट जो ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की जो यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट है, उस चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ टेली डॉट ईआरपी नाइन में, वहाँ पे 1 से 5 वीडियो है ना, वो देख लें। वो देखने से आपको क्या है, कंपनी बनाना, सेट सेलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे सीख जाएंगे। फिर आप अपनी कंपनी को यहाँ पे सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली आ जाता है। गेटवे ऑफ टेली आने के बाद में आपको पेरोल फीचर्स को चालू करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है, पहले आपको क्या है F11 में जाना है। कहाँ जाना है, F11 में जाना है। F11 में अकाउंटिंग फीचर्स में जाना है। अकाउंटिंग फीचर्स में सबसे पहले आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे मेंटेन पेरोल, यहाँ पे जो मेंटेन पेरोल है वो आपको चालू करना होगा। ठीक है, मेंटेन वन पेरोल वाला एक टॉपिक आपको ये चालू करना है। और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट वाला है जो इसको यहाँ पे लिखा हुआ है मेंटेन पेरोल, इसको यस करना है, एंटर करना है। देन इसके बाद में एक टॉपिक और है आपका, ये मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, इस वाले को भी आपको क्या कर लेना, चालू करना है। ठीक है, ये दो ऑप्शन आपको याद रखना, दोनों चालू करने हैं। ये चालू करके कंट्रोल से इसको सेव कर देंगे या फिर एंटर करते हुए भी जा सकते हैं। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो आपको क्या करना है, अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर ही स्टेचरी डिटेक्शन में जाना है या टैक्सेशन में जाना है। और यहाँ पे जाने के बाद में आप अगर देखोगे तो आपको एक पेरोल का एक टॉपिक मिलेगा। ये आपको पेरोल का टॉपिक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एनेबल पेरोल स्टेचरी, यहाँ पे आपको नो है, इसलिए यहाँ पे आपको सबसे पहले यस करना होगा। यस करके एंटर प्रेस करें। दूसरा यहाँ पे सेट अल्टर पेरोल स्टेचरी डिटेल्स दे रखा है, इसको भी आपको क्या करना, यस करके एंटर कर देना है। जैसे यहाँ पे एंटर करते हो तो आपको यहाँ पे पेरोल के कुछ डिटेल्स डालने होते हैं, पर सबसे पहले प्रोविडेंट फंड है जिसे PF कहते हैं, उसका कोड डालना है। मान लेते हैं उसका कोड, कंपनी कोड है DL, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में डाल रहा हूँ मैं, है जैसे यहाँ पे DL NDL। ठीक है, ये डालने के बाद में 00 1 2 4 5 6 9 8 और 7, ये इसका क्या है कि प्रोविडेंट फंड कंपनी का कोड आ गया है। इसके बाद में यहाँ पे आपको कंपनी का जो ग्रुप कोड है वो आपको यहाँ पे स्किप कर देना है। इसके बाद कंपनी का सिक्योरिटी कोड है वो भी स्किप कर देना है, यहाँ पर पास में नहीं है। दूसरा आता है एम्प्लॉय का स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉय का स्टेट इंश्योरेंस जो होता है वो होता है ESI में कंपनी का कोड क्या है वो यहाँ पे डालना है। मान लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे 1 1 0 0 2 5 4 5 है। ठीक है, ये एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ESI की ब्रांच ऑफिस कौन सी है वो आपको डाल देनी है। जैसे मेरी यहाँ पे ब्रांच ऑफिस है अलवर, तो मैंने यहाँ पे अलवर डाल दिया है। देन इसके बाद में यहाँ पे आता है स्टैंडर्ड वर्किंग डे फॉर मंथ। ठीक है, आप यानी कि एक मंथ के अंदर कितने वर्किंग डे यहाँ पे करते हो, तो मैं यहाँ पे 26 वर्किंग डे यहाँ पे रख रहा हूँ। आपकी कंपनी में जितने भी हों, 24 हों, 25 हों, 26 हों, आपको यहाँ पे डाल देना है। मैंने यहाँ पे 26 डाल दिया है। देन इसके बाद में आता है आपका नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम जो आता है इसको शॉर्ट में NPS बोलते हैं। NPS में यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है। कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना है 100। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे 500 4 2 5 6। ठीक है, ये एंटर करना है। इसके बाद कॉर्पोरेट ऑफिस का जो नंबर होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के रूप में 1 2 0 0 1 0 0 5 6 ये डाल दिया है। एंटर करेंगे तो यहाँ पूछा गया है टैक्स डिटेक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, 10 नंबर यहाँ पे पूछा गया है। आपकी कंपनी का जो भी 10 नंबर होगा वो यहाँ पे डाल देना है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने डाल दिया है DLCP और 102 255 एंड L। ठीक है, ये इसका नंबर डाल दिया है। इसके बाद में जो 10 का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको डालना है। ये जो सारे नंबर होते हैं आपको CA के द्वारा प्रोवाइड होते हैं, आपको कंपनी का जो CA होगा उससे ये सारे नंबर्स ले लेना है। और लेने के बाद में आपको ये चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करा, यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, इसके बाद में DL NDL 123 और 56R12। ठीक है, इसके बाद एंटर करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे इनकम टैक्स का सर्किल ऑफ वार्ड आएगा। यहाँ पे हम लोग अलवर में है तो हम लोग अलवर डाल देंगे यहाँ पे।
यहाँ पे आता है डिटेक्टर टाइप। डिटेक्टर टाइप कौन है, गवर्नमेंट है या कोई अदर है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को अदर लेना है, अदर लेंगे, यहाँ पे अदर लेंगे तो पूछा गया है डिटेक्टर की ब्रांच कौन सी है। डिटेक्टर की ब्रांच है जो हमारी अलवर की है, अलवर ब्रांच है। इसके बाद में अलवर ऑफ सॉरी नेम ऑफ पर्सन रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है उसका यहाँ पे नाम डाल देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया है रेस्पॉन्सिबल पर्सन मुकेश कुमार शर्मा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आप जाएंगे तो सन ऑफ डॉटर डालना है, सन ऑफ डॉटर। और रेस्पॉन्सिबल पर्सन में मैंने यहाँ पे डाल दिया है विशेष शर्मा। देन यहाँ पे सन ऑफ जो दिया हुआ है यहाँ पे मैंने डाल दिया है मुकेश कुमार शर्मा। ये डालने के बाद में आता है डेस्टिनेशन, डेजिनेशन, डेजिनेशन में आता है पद क्या है उसका, पद यहाँ पे डाल देंगे। जैसे अकाउंट, अकाउंट मैनेजर, यहाँ पे ये अकाउंट मैनेजर है। और देन उसका जो पैन नंबर है वो पैन नंबर हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। और पैन नंबर डालने के बाद में यहाँ पे ये सारी चीज़ें डाल देंगे और ये एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंपनी के जो पेरोल होता है, पेरोल का जो एक्टिवेशन होता है उसका फॉर्म इस तरीके से फिल किया जाता है। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में पेरोल की नेक्स्ट क्लास आने वाली है। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर कर जरूर करें।